आदाब नाज़रीन, मैं हूँ सैयद हैदर हुसैन जेस्ट न्यूज से। वटापल्ली के इलाके इंडियन फंक्शन हॉल के सामने असद खान नामी शख्स का कोई नामालूम अफराद ने तेज धार हथियारों से बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि असद खान पर एक कत्ल का मुकदमा चल रहा था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया और तहकीकात शुरू कर दी। हमारे नुमाइंदे मीर सुजात अली की एक खसूसी रिपोर्ट। पल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में नाइस कैफे रोड में इंडियाना फंक्शन हॉल के पास में अमजद खान अलियास असद खान, उनका मर्डर हुआ है। इन्होंने 2018 में एक मर्डर केस में A1 अक्यूज था, शामिल था। 2018 में अमजद खान के मर्डर केस में वो फैमिली डिस्प्यूट था, जिसमें इन्होंने एक लाइफर कलीम और उनका मेंबर्स को मिला के इनको मर्डर किया था। उसके रिवेंज जैसा अभी आज इनका मर्डर हुआ दिख रहे हैं। असद खान के आज वो बाइक के ऊपर एक और उनके साथी के साथ जा रहा था, तब उनका एक्सीडेंट करके एक मर्डर किया जैसे दिख रहे हैं CCTV में। और अब तक 4 लोग उसमें पहचान में आया है और वो फैमिली डिस्प्यूट में मर्डर हुआ जैसा दिख रहे हैं। और इनके ऊपर पहले भी एक PD Act भी डाला था, PD Act के बाद में वो बाहर निकला था जेल से। और जो जो अक्यूज है सबको पकड़ के जेल में डाल के उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। तब मैलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन में ये कंटिन्यूसली मर्डर होते जा रहे हैं, इसका आप लोग तो कुछ सख्त नोट क्यों नहीं ले रहे? नहीं, दिस इज़ अ रिवेंज किलिंग, इट इज़ अ फैमिली बेस्ड डिस्प्यूट्स। बट फिर भी हम सर्वेलेंस बढ़ा रहे हैं और रॉडी शीट वगैरह उनके ऊपर PD Act भी डाल रहे हैं। इनके ऊपर भी जो मर्डर हुआ उनके